डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज ग्रुप डी वालों के लिए अनुपात के ऊपर कुछ गिने चिने चुने सवालों को करें, और सबसे बड़ी बात है कि हम छोटे में करना सीखें, ये काफी आवश्यक है। और मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे जो मित्र जो इसको देखते रहते हैं और उससे लाभान्वित रहते हैं, वो अपने दोस्तों को भी बोलें, उन्हें रेफर करें कि वो मेरी वीडियो अवश्य देखें। और इसमें जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, उनसे निवेदन है कि आप बेल बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये केवल मेरे फायदे के लिए नहीं है। जब इस गणित को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये आपके फायदे के लिए भी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। आइए इस एकदम छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। मैं जानता हूं आपको आता ही होगा, तो भी हम एक रिवाइज के तौर पे कर लेते हैं, कहे कि इसमें कुछ मूल बुंदियों पर हम बातें करेंगे जो आपको जेहन में रखना है। तो देखिए, यदि 1/4 ए बराबर 1/6 बी हो तो ए इज टू बी क्या कितना होगा। तो चलिए 1/4 लिख दिया बराबर 1/6 बी लिख दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मेरे को बोला a is to b का मतलब है a/b, तो a तो यहीं पे है, चलिए b को यहां नीचे उतार दिया, तो यहां का b कहां चला गया, यहां चला गया। और देखिए 6 तो है, यहां का 4 कहां चला गया, यहां चल गया, तो 4/6 हुआ। अब इसको अगर हम काटते हैं तो क्या होगा, 2 से 2 दुनी 4, 3 दुनी 6, तो उत्तर हो गया 2:3। देखिए इसको रिपीट करने का भी मेरे को महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी जानते हैं, जो भूल गए हैं उनके लिए है कि एक बार इसे अवश्य देख लें, फिर हम एक हल्के मैथ पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। यदि राम की आय का आधा श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम श्याम और महेश के आय का अनुपात बताएं। देखिए इसने जो बोला हुआ है हम उसी को लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिख रहे हैं जरा देखिए, राम के आय का आधा, तो राम लिखा, का के की मतलब गुना का चिन्ह, आधा मतलब 1/2 हो गया। फिर बोलता है श्याम की आय का 1/3, तो श्याम लिखा, का की जो भी है के, ये सब का गणित में अर्थ होता है गुना, और आय का तिहाई मतलब 1/3 लिख दिया। फिर बोलता है कि महेश की आय का चौथाई, तो महेश लिखा, आय नहीं लिखा, का है मतलब गुना कर दिया, चौथाई मतलब 1/4 हो गया। तो अब जरा पढ़ते हैं, राम गुना 1/2 बराबर श्याम गुना 1/3 बराबर महेश गुना 1/4, और बोला ये बराबर है, तो हमने देखो बराबर का चिन्ह भी डाल दिया, तो राम श्याम और महेश की आय का अनुपात बताएं। जब देखिए अगर 3 व्यक्ति हो, 3 जगह हो, 3 इंसान हो, 3 बोतल हो, 3 खेल हो, कुछ भी 3 हो, लेकिन सबका मान अलग अलग हो। देखो राम की आय का आधा, तो राम की आय श्याम की आय के बराबर नहीं है, राम की आय का आधा जो है श्याम की आय के तिहाई के बराबर है, मतलब राम का आय श्याम के आय के साथ बराबर नहीं है और महेश की आय के साथ भी बराबर नहीं है। तो ऐसे में जब होता है तो सिंपल, एक सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2:3:4, 2:3:4, तो राम श्याम और महेश के आय का अनुपात निकल गया 2:3:4। यहां पे हमने जानबूझ के लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये इसी तरीके से आते हैं,
जब तरीका चेंज होता है, जहां सॉल्व करना है, और इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, बस एक से बात को रखते हैं कि जब राम की आय श्याम की आय महेश की आय के बराबर नहीं होगा, बल्कि राम के आय का कुछ हिस्सा श्याम के आय के कुछ हिस्से और महेश के आय के कुछ हिस्से के बराबर होंगे, और अगर वो आपके भिन्न में है तो भिन्न का नीचे का जो है वो उनके आय का अनुपात होता है, जबकि सब अगर ऊपर एक हो। आगे चल के हम देखेंगे कि अगर ऊपर एक नहीं होता है तो फिर हम उसे कैसे संभालेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ गया होगा, इसे हम जरूर मानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 30,000 रुपए को राम लखन और मोहन के बीच 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो मोहन को कितना रुपया मिला। ग्रुप डी या यूपीपी में इस तरह के सवाल 6-7 बार आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा सिंपल है यार, देखिए किसको पूछा रहा है, मोहन को। ये तो अनुपात तो दे दिया, चलो 3:5:7। अब बोलता है कि मोहन को कितना रुपया मिला, कुल रुपया भी दे दिया, देखो 30,000, 30,000 रुपये तीनों में बांटना है, कुल रुपया दे दिया, कुल रुपया दे दिया, दिमाग में घुस गया। अब मोहन के बारे में पूछ रहा है, अनुपात दिया है, तो मोहन कहां पे है, राम के, यहां राम है, ये लखन है, ये मोहन है, तो मोहन का बराबर हमने 7 लिखा, मोहन को 7 हिस्सा चाहिए, जब कुल हिस्सा कितना है, 7, 5, 12, 3, 15, तो मोहन का हिस्सा बटे कुल हिस्सा, मोहन को मिलेगा मतलब मोहन का हिस्सा बटे कुल हिस्सा गुना कुल रुपया, 30,000 है, काटा तो काटेंगे तो क्या होगा, 15 × 30,000, 15 × 30 मतलब ये 2 हुआ और प्लस 0, 0, 0 मतलब 2000 को 15 से गुना करोगे तो 30,000 होगा और 2000 को 7 से गुना करोगे तो 14,000 होगा। तो यहां पर तो आंसर है ही नहीं, मोहन की आय राम लखन मोहन, तो लखन मोहन है, मोहन 7 है, एकदम सही किया है, तो मोहन को कितना रुपया मिला, 7 × 10 = 5, 15, 7/15, 30,000 है, 2000 को करेंगे तो होगा, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि 7,000 के जगह पे हम इसे 14,000 बना देते हैं तो ही मामला सही हो गया, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है। और देखिए मिस्टेक करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप इसे रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना मेरे टाइपिस्ट। एनीवे चलिए, तो हमने ये समझ गया कि 30,000 को राम लखन और मोहन के बीच 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो मोहन को कितना रुपया मिला, तो हमने क्या किया, जिसके बारे में पूछा गया उसको कितना मिला, तो 7 भाग मिला, कुल भाग कितना था, सारे अनुपात को जोड़ दिया, 7 × 10 = 5, 15, 7/15, कुल अमाउंट कितना था, 30,000 था, तो 15 से काटेंगे तो 30,000 कट जाएगा और हो जाएगा आपका 2000, 2000 को 7 से गुना कर दिया तो हो गया 14,000, आंसर 14,000 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मैं ये बोलना चाहता हूं और सही में आप भी जानते हैं कि ग्रुप डी का जो अभी आया हुआ है अगले 5-6 साल में ये अवसर नहीं आएगा, तो फिर आपको मैं बोलता हूं ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका, क्योंकि इसके बाद शायद आपका उम्र भी नहीं रहेगा उस एग्जाम को दे सके। तो अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, खुश नहीं है, सोच रहे हैं कि शुरुआत करेंगे, तो जीवन को एक हसीना बनाओ दोस्त, एक मकसद दो मकसद। अब देखो मैंने जो क्या किया है, मैंने टोटल मैथ, जब इसकी ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं टोटल मैथ दिया है, लेकिन मैथ में से हमने 300 ये मैथ में से 300 मैथ सारे चैप्टर से छांट लिए। तरीका मेरा वही है, छोटा ए अति छोटा, लेकिन आपको याद भी रखना है, बार बार टेस्ट देना है, परीक्षा में टेस्ट देते वक्त में घबरा नहीं जाएं। इसके लिए देखो हर 10 आप 30
टेस्ट पेपर है इसके अंदर में इस मैथ को देने के लिए, और आप 10 बार दे सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर में केवल वीडियो नहीं है, जो सबसे जरूरी है, सीखने से कुछ नहीं होता है, परीक्षा हॉल तक ले जाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना जरूरत होता है, इसी के लिए तो मॉक टेस्ट आज इतना चलता है। तो यहां पे आप 10 × 30 मतलब 300 मॉक टेस्ट की पेपर की बात हो रही है। हिंदुस्तान का किसी बंदे को यह देने की ताकत नहीं है इस पैसे में। अब आते हैं सामान्य अध्ययन, सारा कुछ है। ऐसे तो देखो ये 300 नहीं है, ये जो मैथ अगर देखोगे सारे चैप्टर्स को लेके ये करीब करीब आपके 750 प्लस है, इसमें 750 प्लस है। लेकिन मैं बोलता हूं कि पहले ये जो 300 आपके अहम है उसे सीख लो, उसके बाद बढ़ो। इसके ये भी नहीं है कि दूसरे जो सवाल है उसमें टेस्ट पेपर नहीं है, सब में टेस्ट पेपर है। तो ये 300 प्लस है टेस्ट। अब आते हैं सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन भी आपको 4500 दिया गया है, वहां पे सारे के वीडियो दिए गए हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो 2000 है, उन्हें छांट के गए हैं। और उसको आप तेजी से सीख सको, आप याद कर सको। 2000 ऐसे याद करना आसान नहीं होता है। आसान कैसे होता है? जब आप टेस्ट देते हैं, गलती करते हैं, उसको फिर से दे पढ़ते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से ये आपके 100 सवाल का एक टेस्ट पेपर है, और ऐसे 10 पेपर 10 बार इनको आप दे सकते हैं। तो मतलब ये 200 टेस्ट पेपर्स हो गए। तर्क शक्ति का देखो 450 छांट के रखा गया है। ऐसा नहीं है, तर्क शक्ति के सवाल जो है 600 से ऊपर है, और टेस्ट पेपर भी इस पे बनाया गया है, ठीक है ना। ये 15 सीरीज हैं, इसके अंदर में 10 बार दे सकते हैं, तो 150 मतलब 650 टेस्ट बनाया गया। और जरूरी है, जरूरी है, आप समझिए। आपको 2 महीने में अगर 1.5 घंटा हर दिन आप टेस्ट देते हुए रहते हैं, 2 घंटा टेस्ट देते हुए रहते हैं, भगवान को भी आपसे मौका छीनने के लिए आपसे लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बोला आखिरी मौका है। मैं पढ़ाता हूं, ऑनलाइन फी 1200 रुपए है, चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, इस बात को दिमाग में जरूर डाल देना। वेलकम टू DD Academy. First click the subscribe button and also click the bell button. After you will get every video update notification. अभी इस सवाल को देखें। यदि राम तथा श्याम के रकम का अनुपात 4:5 है, ठीक है। देखिए राम तथा श्याम बोला गया है, राम तथा श्याम उनके पैसे का जो अनुपात है 4:5 है, 4:5 है। श्याम तथा प्रिया दो कैरेक्टर हो गया। देखो राम तथा श्याम था, यहां श्याम तथा प्रिया के रकम का अनुपात 2:3 है। यदि राम को 800 रुपए मिलते हैं तो प्रिया को कितना रुपया मिलेगा? यदि राम को 800 रुपए मिलते हैं तो प्रिया को कितना मिलेगा? जरा पहले हम फटाफट क्या करते हैं, लिख देते हैं यार। राम तथा श्याम अनुपात है 4:5, चलो राम लिखा, नीचे श्याम लिखा, 4:5 लिखा। अब फिर बोलता है कि श्याम तथा प्रिया, चलो श्याम तथा, यहां पे श्याम है, यहां पे प्रिया है, श्याम तथा प्रिया लिखा हमने, क्या बोला 2:3 है, चलिए यहां भी 2:3 कर दिया। अब देखो यहां श्याम 5 है, यहां श्याम 2 है, बड़ी नाइंसाफी है। तो फिर हम इसको बराबर करना है, बराबर क्या करना है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इस 5 से इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, और इस 2 से जो है इन दोनों को गुणा कर देते हैं। चलिए देखते हैं, मरे श्याम को 10 करना है, इसको भी 10 करेंगे तो श्याम बराबर हो जाएगा ना। तो श्याम को 5 था, 2 से गुणा कर दिया 10 हो गया, 4 को 2 से गुणा कर दिया 8 हो गया। फिर से बोलूं ये कहां से लाया मैंने, श्याम का देखो 2 था, इसके लिए इधर वाले 4/5 को दोनों को 2 से गुणा कर लिए। फिर देखो इधर वाला 2/3 था, यहां श्याम 5 था,
तो फिर दो बटे तीन को पांच से गुना कर दिया, पांच दूनी दस, पांच तीन पंद्रह। अब देखो श्याम बराबर हो गया, यहां एक ही कैरेक्टर था, दोनों अनुपात में बराबर हो गया, ठीक है। तो राम इस टू श्याम है आठ बटे दस, श्याम इस टू प्रिया है दस बटे पंद्रह। यही इसकी इंपॉर्टेंट है और यही छोटी सी बात होती है जो एक कैरेक्टर होता है उसको गुना करना होता है ऊपर नीचे। इसे आप दो बार तीन बार बढ़िया से देख लो तो आपकी कहानी ये खत्म। अब बोलता क्या है राम और प्रिया, तो राम भैया क्या है आठ है, चलो लिखा राम आठ है तो प्रिया पंद्रह है। कहने का मतलब अगर राम के पास आठ रुपया होगा तो प्रिया के पास पंद्रह रुपया होगा। अब बोलता है कि राम के पास आठ सौ रुपया है, मतलब आठ पे आपने क्या किया दो सुन्ना बढ़ा दिया, तो प्रिया का भी पंद्रह रुपया है उसमें दो सुन्ना बढ़ाना होगा ना माय डियर। तो क्या हो गया आठ सौ बटे पंद्रह सौ हो गया, आठ सौ इस टू पंद्रह सौ हो गया। और ये पंद्रह सौ किसका है, ये पंद्रह सौ प्रिया का है। तो प्रिया के पास राम के पास आठ सौ रुपया होगा तो प्रिया के पास पंद्रह सौ रुपया होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसे केवल ये जो दो संख्या का गुणा है इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, बस हो गया। देखिए अनुपात की कंसेप्ट बोलते हैं लोग, चैप्टर बोलते हैं, मान जाने माने क्या क्या बात करते रहते हैं, बहुत ही आसानी से चीजें हो सकता है और समझ के साथ जाना है, कोई फॉर्मूला वर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, बड़ा प्यारा मैथ है ये। मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, यदि सोहन की आय 550 रुपए हो तो राम की आय कितनी होगी। जानबूझ के करना एक ही है, सवाल अलग है। हमने डाला राम की आय, चलो पहले राम और मोहन है, राम की आय मोहन की आय, राम की आय 20% कम है, राम की आय मोहन से 20% कम है। तो कम है मतलब 100 से माइनस करते हैं, तो कहने का मतलब यहां बोल रहा है मोहन की आय अगर 100 है राम की आय 80 है, क्यों 20 रुपए कम है, मतलब 20% कम है। फिर बोलता है मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, मतलब सोहन की आय अगर 100 है तो मोहन की आय क्या होगी 100 से 10 कम होगा तो 90 है। देखिए ये तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जरा सुनना उना काट देते हैं यार, ये भी काट रहा ठीक है ना, तो देखने में जरा प्यारा लगे। लेकिन हमने क्या बताया था, यहां मोहन 10 है यहां मोहन प्यारे 9 है, बड़ी नाइंसाफी है। तो क्या करेंगे हम इस 10 से ये ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये 9 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो 9 से पहले गुणा किया 8 नवा 72 हो गया, 9 से 8 को जब गुणा किया 8 नवा 72 हो गया, 9 से जब 10 को गुणा किया 90 हो गया, 72/90। फिर हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से किसको गुणा करेंगे 9/10, तो 10 से जब 9 को गुणा किया ये 90 हो गया, 10 से जब 10 को गुणा किया तो ये 100 हो गया। अब देखो मोहन बराबर हो गया, मोहन प्यारे को ही तो बराबर करना था, क्योंकि इस टाइप के मैथ में जब दो अनुपात होता है तो एक ही कॉमन कैरेक्टर मोहन है, इसका मान को बराबर करना पड़ता है। अब देखिए क्या बोला है, अगर सोहन की आय 500 हो तो राम की आय, अब सोहन की आय अगर 100 रुपया है तो राम की आय कितनी है 72 रुपया। देखो भैया सोहन की आय अगर 100 रुपया है राम की आय कितना है 72 रुपया है। अब सोहन की आय अगर 500 रुपया 100 से 5 मतलब 5 गुना हुआ तो राम का भी है 72 का 5 गुना होगा, तो 72 को 5 से गुना कर दिया 360 हो गया। सहज, अति सहज, समझने में भी अत्यंत ही सरल, यह जरूरी है। कुछ लोग गणित को खुद पढ़ते हैं बोर्ड पे और कुछ लोग समझाते हैं। चलिए आगे के मैथ को देखते हैं।
अरे यार कहां गया इसका। अब चलिए एक सिक्के के ऊपर सवाल हो जाए। मोहित के पास 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:4:5 है। यदि उन सिक्कों का कुल मान 48 रुपए है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए क्या करता हूं मैं, 25 पैसे के मोहित के पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के बोला हुआ है ना, तो 50 पैसे के 2 सिक्के बराबर कितना होता है, 1 रुपया। फिर बोलता है 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, ये 4 का मतलब 4, तो 25 पैसे के 4 सिक्के हुए तो 25 चौके 100, मतलब ये भी 1 रुपया हुआ। फिर बोलता है कि 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 20 पैसे के 5 सिक्के बराबर भी 1 रुपया हुआ। तो देखो इसको जोड़ देते हैं तो कितना होता है दोस्त, 3 रुपया होता है। तो कहने का मतलब है 3 रुपया में अगर 3 रुपये में ये भी टाइप मिस्टेक, ओ अगर 3 रुपये में देखो 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये का है, 25 पैसे का सिक्के 1 रुपये का है, 20 पैसे के सिक्के 1 रुपये का है, तो मतलब 48 रुपये में जो है सारे सिक्के का 1/3 होगा। मतलब 48 रुपये में 16 रुपया आपका 50 पैसे के सिक्के में होंगे, 16 रुपए आपके 25 पैसे के सिक्के में होंगे, 16 रुपए आपके 20 पैसे के सिक्के में होंगे। क्यों? क्योंकि हर 3 रुपए में 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के में होता है, दूसरा रुपया 25 पैसे के सिक्के में होता है, तीसरा रुपया 20 पैसे के सिक्के में होता है। तो समझ गया मैं, 48 रुपए में 16 रुपया जो है वो किसका है, 20 पैसे के सिक्के में है। और 20 पैसे के सिक्के में 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 5 सिक्के होते हैं। तो 16 रुपया बराबर कितना सिक्के होंगे, 80 सिक्के होंगे, 16×5=80 मार दिया। देखिए ऐसे सवाल जो है एक्स लेके लंबा चौड़ा करके इतिहास बनता है। कृपया ना करें, कृपया न करें, क्योंकि परीक्षा हॉल में भूल जाने की संभावना ही काफी ज्यादा है अगर आप गणित में तेज नहीं है। तो आशा करता हूं आपको ये सारे चीज सही और अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर से दोहराता हूं, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है तो जरूर दबाएं, और अगर सही लगता है और तो कुछ अपने दोस्तों को भी बताएं कि उनका भी भला आपके द्वारा हो जाए। तो चलिए अब विदा दीजिए, और कुछ वीडियो जो मेरे को लगता है कि आपकी तैयारी के क्रम में आपको देखना चाहिए उसको मैंने यहाँ पे, उसके लिंक को मैंने यहाँ पर दे दिया है। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।